बन गया 3 करोड़ का देश सुना और रुपया सारा कपड़ा हो गया नीम में करंट आवे नीम में करंट ऊपर बड़े टब्बर बड़े कदी भी आके लास दिया पशु या तो सारा इमा करंट लाग हां इमा भी करंट आवे हां तो तार सार लगे तो होगी टब्बर पड़े स्कूल में बहुत बुरा है जगह जगह पानी भरे पड़े है। सगला देश का राम राम। मैं प्रशांत कैमरामैन श्रीकांत के साथ और अभी आप गांव करनी सर मारे यहां तो ग्राम पंचायत लागे है सजीपुरा तो हनुमानगढ़ को ये जो गांव है और तहसील है जबकि पिलीवंगा लगा है तो इन गांव में आ रहे हैं और देखने आ रहे हैं अजीब गरीब तरीके की समस्या है तो बने रहिए। अभी तक जो जलको चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो। ये वाटर वर्क से हमारा पानी यानी बहुत समस्या है वापिस आने को लाग रेट है बिल्कुल ही पानी आ जाए और नए बन गए 3 करोड़ कटे से सुन और रुपया सारा कपड़ा हो जाएगा। अच्छा पानी आने को लग जाए पानी बिल्कुल ही कोनी पीने को बड़ी परेशानी है। अच्छा खारो पानी पिया। लगभग समस्या ही समस्या है तो सारी समस्या है तो सरपंच साहब के सरपंच साहब ठीक है करण कौन ला रहा है मतलब कुछ की कौन करे शरीफ साहब यहाँ करण कौन ला रहा सारा में मोहल्ला पर ने काम हो गया हमारा ये जितना आज तक इतनी बारी सरपंच बन गयो आज तक एक ईंटी कौन लग गई है। अच्छा ये मोहल्ला के अंदर वोट वाट दिया पर सोच समझ के देना फिर वोट अपन वोट तो देवा ही है सोच समझ के देवा पर बाद में अगले दिख रही को नहीं काम है एंगा तो मैं के करना है एक आठ है 11,000 के बेचारा है गांव के बेचारा ही नहीं पैसे कौन कद है तीन बारी कह दियो। अच्छा 11,000 ही तारा है। हां चिप जे तो कोई फिर आ जाएगा नीम में करंट आवे नीम में हैं नीम में करंट आवे नीम में करंट तारा के दिया पर सरपंच जी खड़े हो जाओ मन कियो तार पहले मैं करा देंगा चका देंगा मैं कौन चकाई के करा फिर मंग। अच्छा अटा बरसात आ जने तो टावर न टपी जा कोनी एक और ट्रांसमीटर एक सार के टप्पे नहीं जने करंट आनो की तो डर है कितने नीचे फ्यूज या पशु या तो सारा इमा करंट लाग लगभग मन लगे 3-1 फुट की ऊंचाई पर है तो 3 ही होएगा मन लगे 3 या टावर को हाथ आराम नट गया लग गई यार सारा स्कूल है साइड में निकल जाए मारे बार बार आई आ जाए तो सारे स्कूल है क्यों स्कूल है यार कोई हाल है कि फिर स्कूल को नहीं है करंट आवे ऊपर बड़े टब्बर बड़े कदी भी देख लिया आप नीम का लगी अभी नीम का सार लग रही है। अच्छा तारा देखने आ रहे यहाँ पर जी के स्कूल के कन्ने ही जगह ट्रांसफार्मर ला रहे 2 ट्रांसफार्मर है लगभग है जगह खंबा पर 3 फुट की ऊंचाई पर ला रहे हैं सरकारी स्कूल तो काल कोई दिक्कत हो जाए टावर तो कौन बिंगो जिम्मेवार है तो प्रशासन आई निवेदन है कि जगह ट्रांसफार्मर है जगह की व्यवस्था बढ़िया तरीके करी जाए तो आप सड़क भी जाइए स्कूल का आगे हाल भी करंट आवे तो तार सार लगे तो होगी टावर पड़े स्कूल में। अच्छा स्कूल में टावर पड़े है तो फिर तेल के रेट हो रहे डीजल तेल तो मान लीजिए आगे लगा रखी है 104 रुपए हो रही है डीजल 110 रुपए पेट्रोल हो रही है। अब पेट्रोल डीजल एक बराबर ही है जमींदार तो डीजल जरूरत है डीजल सस्ता होना चाहिए उनकी समस्या जी एक तो मेन बात है पढ़ाई बंद हो रही है बाकी कोई सड़क का निर्माण नहीं कोई और नहीं व्यवस्था नहीं कोई सारी व्यवस्था कच्ची पड़ी है सारी कच्ची पड़ी है सारा गाँव का ही हाल है सड़क का बहुत बुरा है जी जगह जगह पानी भरे पड़े है और गुआर हमारा निर्माण कर लो सरपंच साहब के वो करके जावा वो यहीं पड़े जी। अच्छा इनके ऊपर कोई दकन दुकन लग जाए कौन देख लो जी। अच्छा यहाँ जब मानी टाबर टूबर पड़ जाए तो टाबर पड़ जाए नुकसान ही है जी मान तो वो है भी घेरो मन लगा हाँ बच्चा गिर जाए बच्चा खेल रहा है गंदगी खतरे के गंदगी खतरे गंदो पानी जाने वास्ते है तो ये स्मेल स्मेल कोई नहीं आवे घर में इन तो घरे साल यहीं पड़े जी। इसके अंदर 2 बार तो पशु मतलब छोटे बछड़े थे वो भी इसके अंदर 2 बार पड़ चुके हैं। पानी के लिए हमने कोई एप्लीकेशन भी लगाई है सभी के लिए कभी जिला प्रमुख जी के पास गए सरपंच जी के पास गए ठीक है तो उन्होंने तो एक बार बोल दिया पानी आपके घरों में आ जाएगा लेकिन उसके बाद में कोई पानी पुनी व्यवस्था नहीं थी नहीं जी। तो हमारे जो सजीपुरा से है जो बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है जिला अध्यक्ष है हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ एरिया के तो उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई है। तो आप अभी करणी सर की ग्राम पंचायत है सैजीपुरा में खड़े हैं तो पट सरपंच साहब बात कराऊंगा करणी सर के बारे में कि कितो विकास करेगा गांव को। तो अब मैं करणी सर में जाके आया तो बट्टे कुछ एक लोगों समस्या आ रही है ट्रांसफार्मर की और एक दो सड़कें हैं जबकि अभी निर्माणाधीन है बनी कौन पे ट्रांसफार्मर की तो यहाँ जी अपने गर्मी में थोड़ा दिक्कत सभी जगह आती है ट्रांसफार्मर काफ़ी सुधार करवाने लग रहे हैं
अपने जी आप सेजीपुरा में चलन लग रहे हो, डाणिया में एक लाइन खींचन लग रही है, 24 घंटा लाइन करवा लग रहे, करनी सर का भी नंबर मैं करवाऊंगा जरूर। जी। तो लेकिन अभी तक मेरे पास कभी किसी ने बताया नहीं कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर में दिक्कत आया, क्यों ट्रांसफार्मर बहुत स्कूल के नज़दीक है और नीचे है थोड़ा ट्रांसफार्मर। नहीं नहीं, इससे पहले हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अच्छा, स्कूल का आगे भी सड़क थोड़ी कच्ची है सरपंच साहब, एक प्रयास रही थारा भंगा स्कूल के, उसका अपने वार्षिक योजना में ले लिया है, अब जल्दी काम स्टार्ट करवाएंगे। और अच्छा, नरेगा सरपंच साहब चल रही है, चलना चल रहा है, नरेगा चल रहा है, कितना मजदूर काम ला रहे हैं नरेगा का? अपने वैसे तो 2600 जॉब कार्ड है अपनी पंचायत में, तो लगभग 1300-1400 आदमी काम पर जाते हैं, रोजगार मिल रहे रोजगार। वर्ष 17-18 में 2 लोगों हुए थे 100 दिन पूरे, और 18-19 में 293 और 19-20 में 46 लोगों ने, और 56 साल के कार्यकाल में 491 लोगों के 100 दिन पूर्ण करवाए हैं जनवरी तक। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था, जैसे अपने कार्यकाल से पहले सिर्फ ये चार दीवारी और ये सीसी ब्लॉक लगे हुए थे, यहाँ पे पार्क निर्माण नहीं था। अच्छा, लेकिन एक हमने थोड़ा डिस्कस करके अपने कर्मचारियों से तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक पार्क बनाए और बढ़िया कभी शाम को या सुबह बैठने की जगह बनती है। अच्छा, तो उसके बाद हमने ये पार्क वगैरह सब ये भी तैयार करवाया ग्राम पंचायत। तो आ वीडियो थाने किया लगी, इन वीडियो के प्रति थारा सुझाव वे भी माने बताओ कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके, और थारा भी कोई गांव की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में थारा गांव को नाम और मोबाइल नंबर ली दो। जो चैनल ने सब्सक्राइब ना करे तो नीचे एक लाल बटन गया मालिक खेड़ो है लाल गोसो की सब्सक्राइब, तो बिन सब्सक्राइब कर दे, पास डेढ़ घंटी का बटन ने दबा दो ताकि कोई भी नई सूचना है, नई वीडियो है, नई जानकारी है, तो बिन सूचना थाने मिलती रहे। और अब मैं थाने मिलांगा नई वीडियो से आगे नया गांव में। इतनी देर खातर मैंने इजाजत दो, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।